أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ اور بھی وسعت دے آپ کے دلوں میں آپ کے گھر میں آپ کے علم میں جگہوں میں بہت ہی اچھا لگ رہا ہے آپ سب کو یہاں بیٹھا دیکھ کر اور آپ اتنے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں تھک تو نہیں گئے چلے اس کا تھا کہ آپ اپنی محبت سے آئے ہیں اور گھر والوں نے بھی خوشی سے بلایا ماشاء اللہ ان شاء اللہ آج جس موضوع پہ ہم بات کریں گے وہ اتنا اچھا ٹاپک ہے کہ اگر آپ تنگ بھی بیٹھے ہیں تو آپ کو فیل بھی نہیں ہوگا ہاں تو ہم سب چاہتے ہیں کہ قبولیت ہو جائے نا رشتہ قبول ہے ہاں قبول ہے قبول ہے کون کون میرڈ ہے آپ میں سے ساری میرڈ ہے ماشاء اللہ تو وہ قبول والا جو ہے وہ سین یاد ہے آج تک وہ قبولیت بھگتی جا رہی ہے نا جو بھی کچھ کریں وہ قبول ہو جائے نا تو آج قبولیت عبادت کی علامت ہے کہ بہت شارٹ بات کروں گی تاکہ آپ لوگ اگر واقعی تھکے نہیں تو تھک بھی نہ جائیں ٹھیک ہے انشاءاللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
रब्बी श्रहली सदरी वयस्सरली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू कौली। अलामात कबूलियत इबादत। माई गुड डीड्स एक्सेप्टेड और नॉट। ये है आज का हमारा मौजू और ये पेरिस ट्रिप 2023 का एक लेक्चर है। इसमें हम इंसानी तबीयत के नाते से देखेंगे कि जब भी हम कोई काम करें तो दिल करता है कि वो कबूल हो। आप और बहुत सारी खवातीन, मैं अपना नाम तो नहीं लेती, रोज़ खाना पकाती हैं, फिर जब खाना टेबल पे आता है तो आपका क्या दिल चाह रहा होता है? कबूल हो जाए, मियाँ साहब भी खा लें, बच्चे भी खा लें, और ख़ास तौर पे जिस दिन मेहमानों के लिए बनता है तो उस वक्त तो ये भी दिल चाह रहा होता है कि थोड़ी थोड़ी देर बाद वो तारीफ़ें भी करें, बहुत ही अच्छा खाना था, मज़े का था, ऐसा कभी नहीं खाया, ये वो। हाँ, तो अगर आप खाना पकाएं और कोई दूसरा ना खाए तो आपके आपको खुशी होती है कि चलो बच गया, अब एक हफ्ता खाना नहीं बनाना पड़ेगा? नहीं, दुख होता है। आप खाना पूरा टेबल पे रखें और उसके बाद जाकर थोड़ी देर बाद जब देखें तो मेहमानों ने खाई कोई नहीं, तो एकदम दिल बुझल होता है ना। और इसमें तो हज़रत इब्राहिम की सुन्नत भी है कि जब उनके पास फरिश्ते आए और इनको नहीं पता था कि ये फरिश्ते हैं, तो जल्दी से गए और बीज लिन हनीज बारबिक्यू बछड़ा, यानी पूरा एक वो बीफ बारबिक्यू करके ले आए, और देख रहे हैं कि मेहमान खा ही नहीं रहे तो परेशान हो गए। फिर बाद में पता चला कि वो तो फरिश्ते हैं, फरिश्ते तो खाते ही नहीं है ना। तो जब आप खाना पकाएं और वो खा लिया जाए तो कबूल हो गया। चले आप खुद कोई खाना खाएं, उसके बाद क्या दिल करता है? या हजम हो जाए, खाना खाएं और खट्टे डकार आए, या अल्लाह ना करे वॉमिट हो, तो तबीयत बोझिल होती है ना। हाँ, तो आपके जिस्म ने, आपकी बॉडी ने उस खाए हुए खाने को कबूल कर लिया। अच्छा, जब कोई चीज़ कबूल हो जाती है ना तो फिर उसके बाद क्या होता है? मसलन जिस्म में खाना गया, खाना हजम हुआ, तो एनर्जी, ग्लूकोज जिस्म में ताकत आती है, फैट भी बनता है। हैं, हमारा दिल तो चाहता है हम खाएं पिएं लेकिन मोटे ना हो। हाँ, अल्लाह जैसे आदम और हव्वा को कहा था कि रगदन कुलू रगदन फकुला मिनहा रगदन, खुला खाओ लेकिन मोटे ना हो, है ना। तो लेकिन हम कहते नहीं, मेरे जिस्म को लग ही बड़ी जल्दी जाता है, मैं तो वो मीठे के पास से भी गुजरता हूँ तो मेरा एक आधा किलो वजन कम हो जाता, ज़्यादा हो जाता है ना। तो जब कोई चीज़ अंदर जाती है तो कबूल होती है ना। गाड़ियों में पेट्रोल डालते हैं आप तो गाड़ी के अंदर पेट्रोल चला जाता है। अब पेट्रोल चला गया तो क्या करें आगे? गाड़ी चलाएं। जब गाड़ी चलती जाएगी तो आहिस्ता आहिस्ता वो जो गैस या पेट्रोल जो भी था डीजल, वो कम होता हुआ दिखेगा। दैट मीन के वो कबूल किया जा रहा है। तो क्या पता चला इन तीन मिसालों से? कबूलियत हमारी मजबूरी है। अब आप किसी को कोई चीज़ दें तो वो ना ले तो उसमें एक बहुत बड़ी वजह होती है, और वो ये है कि आपसे वो नाराज़ है। हर वक्त खाना ही नहीं ख़राब होता, मूड भी ख़राब होते हैं। मैंने नहीं खाना, ले जाओ, ये टोन क्या है? यानी खाना तो अच्छा है लेकिन ताल्लुक अच्छा नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से कभी कभी गाड़ियों में पेट्रोल जो डाला जाता है वो उसके लिए नहीं, वो किसी और किस्म के लिए बनी होती हैं। तो जब आप और मैं अमल करते हैं ना तो उसके अंदर भी ये दो ही चीज़ें होती हैं, या हमारा अमल ठीक नहीं होता या हमारा अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक ठीक नहीं होता। सूरत मायदा की आयत 27 में अल्लाह सुबहाना ताला ने दो भाइयों का किस्सा बयान किया, और उनको भाई कहने से पहले क्या कहा? वतलु अलैहिम नबा बनई आदम बिलहक, और ज़रा इन्हें आदम के दो बेटों का किस्सा भी बेकमोकास्त, यानी कमी बेशी किए बगैर सुना दो। क्या हुआ था? इस करबा कुर्बानन फतुकुबिल मिन अहदिहिमा वलम युतकब्बल मिनल आखर, कि जब इन दोनों ने कुर्बानी की तो इनमें से एक की कुर्बानी कबूल की गई और दूसरे की ना की गई। अब दोनों ने एक चीज़ पेश की एक ही जैसी, लेकिन एक की कबूल हो गई एक की नहीं हुई। और इस आयत ग्रहण पे जाकर देखें, इन्नमा यतकब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तकीन, अल्लाह तो तकवा वालों की कुर्बानियाँ कबूल करता है। तो इस एक वाक़े में अगर आप देखें तो कुर्बानी तो एक ही थी,
करने वाले दो थे, एक की कबूल दूसरे की नहीं। जिन्होंने किस्सा सुना उनको वजह भी पता, एक ने दिल से की थी, अल्लाह के तकवे के साथ की थी, अल्लाह से अजर लेने के लिए की थी, लेकिन दूसरे की कुर्बानी में कुछ मसला भी था और कुछ उसकी नीयत भी ख़राब थी। तो आपको मुझे काबिलियत से ज़्यादा कबूलियत की फ़िक्र होती है, पक्की बात है। आप किसी को इनवाइट करते हैं हमारे घर, दर से आप आइए, अगला खुशी खुशी कबूल कर लेते हैं, आप खुश हो जाते हैं। आप किसी को शादी का कार्ड देते हैं, जी हमारे बच्चे की शादी आप आइए, अगला आ जाता है, आप खुश हो जाते हैं। तो जितनी कबूलियत ज़्यादा होगी ना, उतनी खुशी ज़्यादा होगी। हमारी जिंदगियों में ये एक मजबूरी है कि हम दूसरों से कटे हुए नहीं रह सकते। दिन रात छोटी बड़ी नेकियां हर इंसान करता है। कुछ नेकियां मौसमी होती हैं, कुछ नेकियां रूटीन की होती हैं, कुछ शऊर से की जाती हैं, कुछ गैर शऊरी तौर पे की जाती हैं, लेकिन हमारी ये नेकियां कबूल हो रही हैं कि नहीं, क्या ये सवाल है हमारे पास? फिक्र है ना दुनिया में, तो हमें पता चल रहा है एक्सेप्ट हुआ नहीं। इवन आप देखिए कि आप अपने लैपटॉप में वाईफाई डालते हैं, कोड पासवर्ड डालते हैं, वो नहीं कबूल करता। आप कहते पता नहीं पासवर्ड तो ठीक था, मेरे लैपटॉप में नहीं आ रहा। आप जब देखेंगे ना एंड पे, तो उसमें पता क्या होगा, कोई एक कैप्स लॉक लगा होगा, कोई बड़ा लिखना था छोटा लिख दिया, कोई एक लफ्ज दो दफ़ा दब गया, बिल्कुल एग्जैक्ट जबर जेर के साथ हो तो आपका लैपटॉप कबूल करता है। ये तो मशीन है, इंसानों ने बनाई है, लेकिन अल्लाह सुभान व तआला वो तो बारीक बीन है, अल लतीफ़ है, अल खबीर है, अल अलीम है। तो फिर उसके मेयार क्या होंगे हमारी नेकियों को कबूल करने के या ना? अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु सहाबी रसूल थे, कहा करते थे कि अगर मुझे मालूम हो जाए कि मेरे अमल को अल्लाह तबारक व तआला ने कबूल कर लिया है, तो मुझे ये इतना कीमती लगता है कि मैं अगर पूरी ज़मीन सोने की भर के सदके में दे दूं, नहीं मैं सदका कर दूं, तो मुझे इतनी खुशी नहीं होगी जितनी मेरे अमल की कबूलियत की खुशी होगी। और कीजिएगा। देखिए अब अल्हम्दुलिल्लाह कुछ टाइम गुजर गया, हमने रमज़ान 23 गुज़ारा, रोज़े भी रखे, तरावियां भी पढ़ी, जितनी अल्लाह ने तौफीक दी नेकियां की, कुरान पढ़े, दौरे कुरान सुने। वैसे आप में से किस किसने दौरे कुरान किया इस साल रमज़ान में? हाथ खड़े करेंगे? माशाल्लाह, तो फिर आपको तो कराएंगे, कराने की ज़रूरत है ना। जो भी नेकी करते हैं ना, दिल करता है अब ये कबूल हो। और हमारा पता क्या दिल करता है कि आज नेकी करें, रात को ख्वाब में अल्लाह जन्नत दिखा दे, भाई तुम्हारी ये नेकी कबूल हो गई है। और हम मक्का गए, बड़ी मेहनत करके उमरे का वीज़ा लगवाया, और उसके छोड़ दीजिए अगर नहीं हो रहा तो, पॉसिबल है, हो रहा है तो कर दीजिएगा, नहीं है तो छोड़ दें बेशक, ठीक है, एक ट्राई कर लीजिए। अच्छा, अब होता क्या है कि जब आप उम्रे पे जाते हैं, कितने तवाफ, कितने चक्कर, कितने उम्रे, अच्छा मस्जिद आयशा से जाके राम बांध के फिर उम्रा कर लूँ, अच्छा मैं वो फलां जगह से जाकर फिर कर लूँ, फलां कर लूँ, भागते दौड़ते फिर गिन भी रहे होते हैं हम लोग ना, मैंने इस एक सफ़र में इतने उम्रे किए। कभी ऊपर से आवाज़ आई है कि तेरा तो पहले ही नहीं कबूल हुआ, तो अब तू अगला क्या करने लगी है? हमारी हर नेकी जमीन और आसमान के बीच में मुअल्लक रह सकती है अगर अल्लाह उसको कबूल ना करे। और हम में से किसी की किसी इबादत में कोई भी खूबसूरती नहीं है, ये तो अल्लाह अपनी रहमत से कबूल कर लेता है। देखिए मैं आपको एक मिसाल देती हूँ, तो उससे शायद हम बात को समझ सकें। अल्लाह के लिए तो नहीं कोई मिसाल, मिसाल तो हमारे ही लिए है। एक शख्स है, वो दरमियाने दर्जे की हैसियत है उसकी। चले आप पाकिस्तान की मिसाल लीजिए कि कोई एक ऐसी खातून है जिसके मियाँ किसी जगह ड्राइवर है, और ड्राइवर्स की मोस्टली पे जो मैंने ऑब्जर्व की है, वो 20 से बहुत ही अच्छी कोई कर दे तो 30,000 होती है, 30,000 रुपये तक की तनख्वाह है। अब वो बेचारे अपनी रोटी बच्चों का छोटा मोटा खर्चा चला रहे हैं बहुत ही अच्छा। आप उनकी फैमिली से हैं, आप पाकिस्तान आए, अब वो आपकी खाला है, फुफो है, चची है, जो भी, उसका दिल करता है कि वो आपको कुछ गिफ्ट दे। मुझे बताइए कि वो 30,000 की तनख्वाह में से कितना को सेव करके कितने का आपको गिफ्ट दे सकते हैं?
वो कोई खाला बहुत ही दिल वाली होगी, उसने कहीं अपने लिए गर्मियों का कोई जोड़ा रखा होगा या कुछ पैसे जोड़े होंगे, वो लाके आपको दे देगी। अब उसने, चलिए हम मिसाल देते हैं कि उसने आपको 1500 रुपये का जोड़ा जो उसके लिए बहुत कीमती था दिया। अब आप, अल्लाह ने आपको लाखों में रखा हुआ है, मिसाल है, आपने कभी कोई हल्की चीज़ पहनी नहीं। अब आप वो देखते हैं तो आपने तो वैसा कभी भी नहीं लिया, तो लेकिन क्या फिर आप उसको रिजेक्ट कर देंगे? नहीं, आप कहेंगे ये मेरी खाला ने दिया, ये मेरी फुफ्फो ने दिया और उन्होंने अपने हिसाब से बहुत अच्छा दिया, मैं इसको सिलाऊंगी और पहनूंगी। यहाँ क्या चीज़ काम आई? जोड़ा के ताल्लुक, ताल्लुक, ताल्लुक काम आता है। अब इसकी ऑपोजिट लीजिए, किसी ने वो शादियों के नाम पे, दिखावे के नाम पे, मजबूरियों के नाम पे आपको 5000 का जोड़ा दिया, लेकिन आपकी उससे खटपट है, लड़ाई हुई है, नाराजगी है, मुंह की बोलचाल कोई नहीं, बस रस्मी कलामी मौके द मौके पे, जैसे वो जोड़े नहीं आते मजबूरियों में। अब आप मुझे बताइए कि जिससे लड़ाई हुई हो, जिससे नाराजगी हो, उसका 5000 का सूट ज्यादा कीमती है या जिससे दिल मिला हो उसका 1500 का सूट कीमती है? बस ये है, रब्बना तकबल मिन्ना इन्नक अंतस समीउल अलीम। आदम, सॉरी, हजरत इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने खाना काबा तामीर करते हुए ये दुआ की थी कि अल्लाह घर तो हमने बना दिया, यानी कबूलियत की चाहत जो थी ना, वो इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह के घर की बुनियादें उठाते हुए थी। और क्या कह रहे हैं कि हमारे रब हमसे कबूल कर ले, बेशक तू ही सुनने और जानने वाला है। क्या पता चला कि एक मोमिन की ये दिली चाहत होती है कि इसकी इबादत, इसकी रियाजत जाया होने से बच जाए और कबूल हो जाए, क्योंकि जब दिल की हालत ये होती है ना कि कबूल ना हुआ तो क्या होगा, तो दिल में एक धड़का होता है। आप किसी इंसान जिससे आप बहुत मोहब्बत करते हो और जो बहुत ही अहम शख्स हो आपकी ज़िंदगी में, आप जितनी मर्जी अच्छी चीज़ ले लें, देते वक्त दिल डरा होगा, पता नहीं ये उनके काबिल है भी कि नहीं, पता नहीं वो कबूल कर भी लेंगे नहीं। कभी कभी तो रोब की वजह से भी ना, मतलब आप अपनी बेटी के लिए 5 तोले तो अब कौन देगा, 1 तोले के भी कोई चूड़ी दे दें तो डर दिल में क्या होता है कि अब अल्लाह की ये बंदी कबूल कर ले, बाद में मेरी बेटी को ताने ना दे के तेरी अम्मा ने मुझे कैसी चीज दी, खौफ होता है ना। कभी मोहब्बत भी होती है, जिसको आप अपनी खुशी से देते हैं ना, उसके लिए आपका दिल तड़प रहा होता है कि ये कबूल कर ले, और जहां मजबूरियां होती हैं वो मजबूरियां। हमने रमजान के रोजे रखे अल्हम्दुलिल्लाह, इस साल कुछ जगहों पे 30 थे, कुछ जगहों पे 29 थे, पाकिस्तान में 30 हुए, यूरोप में 29 हुए, सऊदीया वालों के भी 29 थे। क्या आप और मैं इन 30 रोजों को किसी एक क्राइटेरियन पे रख के परख सकते हैं कि 30 में से कितने कबूल हुए? क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया, इब्ने माजा की रिवायत है अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से, कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बहुत से रोजा रखने वाले ऐसे हैं कि इनको अपने रोजे से भूख के सिवा कुछ नहीं हासिल होता, और बहुत से रात में क्याम करने वाले ऐसे हैं कि इनको अपने क्याम से जागने के सिवा कुछ नहीं मिलता। अब आपने 20 तरावियां पढ़ी कि 8 पढ़ी, ये कोई झगड़ा नहीं है, सवाल यह है कि उन 20 या उन 8 में से 2 भी कबूल हुई है कि नहीं। तो असल चीज कबूलियत है। सूरत मोहम्मद अगर अल्लाह करे आपको याद हो जाए और कभी आप किसी क्लास में उसको बैठ के पढ़ लें, पूरी सूरत में जो बुनियादी थीम है ना, वो क्या है कि ये कराए पे पानी ना फेर दो, ला तुबतिलू आमालकुम या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर्रसूल। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, दिल की खुशी से अल्लाह और उसके रसूल की बात मानो। यहाँ जो लफ्ज है ना अती तौन, खुशी से, ये नहीं कि रोते धोते हाय क्या करे फिर नमाज का वक्त आ गया है, हाय इतनी ज़कात बनती है, हाय उम्रा इतना महंगा है, हाय 20-22 लाख रुपए लगा के आज करूँ, नहीं खुशी खुशी करो। अब आपको कोई चाय दे और साथ मुंह बसार है, रोते धोते आपको दे, तो आप कहेंगे क्या? मैं इस बार आपको कि कल से सोई नहीं, कल से खड़ी हूं,
थक गई हो, टूट गई हो, तो वो लुक में आपके अंदर जाएंगे। आप कहेंगे मेरी वजह से इनको इतनी मुश्किल हुई, भाई इतनी क्या जरूरत है आपको थकने की, है ना। तो जब बंदा कोई काम करे ना, तो फिर उसके बाद उसका दिल करता है कि उसका वो काम कबूल हो जाए। क्या कहा, अल्लाह और उसके रसूल की बात खुशी से मानो, वला तुबतिलु आमालकुम, अपने आमाल को बर्बाद ना करो। ये आमाल कैसे बर्बाद होते हैं, और ये बार बार है आयत सूरह में, ये वाली जो मैंने आपके सामने पढ़ी ना, ये 33 नंबर आयत है। तो आमाल ज़ाया कब होते हैं, कैसे होते हैं, चाहे कोई आपके सामने रखे, गलती से उसमें चीनी की जगह नमक की पूरी एक चम्मच डाल दी, और आप बड़े मज़े से चाय की एक चुस्की लें, और फिर उसके बाद जो होगा, बावजूद कोशिश के भी आप उसको नहीं करें, वो कहते ना ना जाए मानत ना पाए मानत, है क्या करूं इसको, एक बात हो गई गड़बड़ हो जाती है। दूसरी सूरत यह है कि आपको पता चल गया कि किसी ने चाय तो बनाई है, लेकिन वो खुश नहीं है आपसे, मजबूरी में बनाई है, बल्कि वो रखेंगे भी ऐसे कि थोड़ी सी चाय भी आप प्लेट में गिर जाए, दोनों सूरतों में वो कबूल नहीं होगी। तो आपको मुझे नेकियां करने के बाद क्या क्या सोचना है, अकड़े, किसी ने कहा लो जी अब तो मैंने कुरान भी पढ़ना शुरू कर दिया, अल्लाह ने फिर भी मेरी दुआ नहीं सुनी। लोग पता क्या कहते हैं, इधर हमने कोर्स में रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया, उधर अल्लाह जवाब देगा, फरिश्तों अब इसकी सारी दुआएं सुन लो, अब इसने पहली क्लास ले ली, अब ये आधा सपारा पढ़ने के बाद तो इसको मुस्तजाबुद दावत बना दो। पता चला पहला पारा पढ़ते हुए पहले घर में चोरी हो गई। यानी कुछ लोग नेकियों के साथ क्या सोच लेते हैं, और अपने बच्चों को भी कहते हैं, इसको भी जरा समझिएगा, बेटा नमाज पढ़ो फिर बड़े अच्छे नंबर आएंगे। अच्छा बच्चा बेचारा नमाज पढ़ के गया और पेपर तो तैयारी नहीं थी, नहीं किया, ये जो नंबर खराब आए, सारी जिंदगी के लिए उस बच्चे के दिल में ना शक का बीज आ जाएगा कि कोई नहीं आते नंबर नमाजें पढ़ने से। तो इसको अपनी जिंदगी से निकालें, कभी भी ना ऐसा करें। छोटे छोटे मासूम जहनों में अल्लाह देना चाहे तो दे दे, ना दे तो ना दे। इसलिए फिर नेक अमाल करने के बाद भी तौबा और इस्तिग़फ़ार करने का हुक्म है। इमाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह फरमाया करते थे कि बेशक अल्लाह सुबहाना ताला ने आमाल सालेह के बाद तौबा और इस्तिग़फ़ार मुकर्रर फरमाया। कहाँ भला, आप नमाज पढ़ते हैं, थोड़ी देर बाद क्या होता है, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। आप कहते हैं नमाज के फौरन बाद क्या कहते थे अल्लाह के नबी, अल्लाहु अकबर, एक बार ऊंची आवाज से। साहबा में से कई लोगों को इस अल्लाहु अकबर से पता चलता था कि नमाज पूरी हो गई है। फिर आप 3 दफा कहते अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। क्यों भाई, नऊज़ुबिल्लाह कोई गुनाह का काम करके उठे हैं, कोई ख़राब काम किया है, कोई ऐसी बात की है जिससे बाद में अब तौबा करनी है, ना ना। ये कहा कि ऐ अल्लाह इस नमाज का हक अदा नहीं कर सका, ऐ अल्लाह ये वो नमाज नहीं थी जो तेरे आगे पेश करूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम में से किसी के भी आमाल इस काबिल नहीं है कि अल्लाह उनको कबूल करके जन्नत दे, इल्ला ये कि मुझे भी अल्लाह अपनी रहमत से ढांपेगा तभी मैं जन्नत में जाऊँगा। क्योंकि आप देखिए ना, हमारे पास वो करेंसी नहीं है, हमारे पास उतनी अमाउंट ही नहीं है कि जिससे जाकर कोई खरीदे। पाकिस्तान के एक गांव से उठकर आने वाला बाहर की दुनिया में एक चाय का कप भी लेके ना पी सके, फर्क है ना कीमतों का, प्राइसेस का। तो जब भी कोई काम किया जाए उस वक्त इस चीज़ की ये फिक्र हो कि अल्लाह इसमें जो गलतियाँ हुई हैं ना, ये कहीं और ये ना हो जाए कि ये नेकी हमारे गुनाह का जरिया बन जाए। अकड़ना, अपने आप को बड़ा बनाना, लो जी मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, ये है, ऐसा नहीं करना। जितना ज़्यादा आप देखेंगे कि तौबा और इस्तग़फ़ार करते रहेंगे ना, उतना इंशाल्लाह दिल मुतमईन होगा। मैंने पीछे भी बात सुनाई थी, आपको भी सुना देती हूँ कि एक शख्स था, तो उसने बादशाह था कोई, तो उसने अपने दरबार में लोगों को कहा कि ये अशरफियों की थैली है, इसको फलां जगह किसी पानी की नदी में फेंकवाऊंगा, और तुमने जाकर इसको लेके भी आना है, और तुम्हारे कपड़े भी ना गीले हों। एक को कहा, दूसरे, सबने नो कह दिया, बादशाह सलामत, ये तो मुमकिन ही नहीं, ये कैसे हो सकता है कि हम स्विमिंग पूल में भी चलो कूदें और गीले ना हों। एक शख्स वहां बैठा था, कहते उसका नाम शायद बहलोल था, मजजूब था, दीवाना,
उसने कहा कि मैं ये चैलेंज कबूल करता हूँ। बादशाह बड़ा खुश हुआ कि अच्छा भाई, ये तो बड़ी जुरत वाला बंदा है। मामला हुआ, फेंकवाई गई थैली, ये भी चला गया। थोड़ा बहुत गुजरा ना, तो ये पानी में नुचड़ता गीला भीगता हुआ थैली हाथ में पकड़ के आ गया। बादशाह ने देखी कि थैली हाथ में, कहा बहुत मेहरबानी, बहुत अच्छा भी तुमने ही तो काम किया, लेकिन ये क्या, तुम्हारे तो कपड़े गीले हैं। मेरी शर्त थी कि कपड़े गीले नहीं हो। कहने लगा कि बादशाह सलामत, आपने दो काम किए थे, मतलब एक काम करना था और एक नहीं करना था, समझे? एक अमर है तो एक नहीं है, एक डूज है एक डोंट्स है। आपने कहा थैली लाओ, मैं ले आया। दूसरी बात आपने कही थी कि कपड़े ना गीले हों, तो ये तो मेरे बस में ही नहीं है, इस पे मैं आपसे माफी मांग लेता हूँ, मुझे माफ कर दे। ये है नेकियां करके डरना, तो इबादत करके कबूलियत की इल्तिजा करनी चाहिए। दिल की हालत ये हो कि इबादत करने के बाद अल्लाह की बारगाह में कबूलियत की इल्तिजा भी हो, दिल भी डर रहा हो, और अपनी इबादत की कबूलियत के लिए कुछ शिर्क ना इंसान कर दे, दिल और जुबान इस्तगफार की तस्बीह में मशगूल हो, तो इबादत करके भी दिल में ये एहसास होना कि अभी मैंने आसन दर्जे की इबादत नहीं की। अक्सर लोग आमतौर पे मुलाकात में नहीं कहते रहते, मेरी तो तसल्ली नहीं हुई, अभी तो मैंने और भी कुछ करना था। जहां मोहब्बत होती है वहां ऐसे जुमले आम होते हैं ना। फिर इस तरह अल्लाह से जो वादे किए हैं इनको पूरा करने की हर लम्हे कोशिश करने की जरूरत होती है। मोमिन अपने आप को अल्लाह के मुकाबले में हमेशा छोटा और बड़े ही या युन्नास अंतुमुल फुकरा वल्लाहु अल गनीउल हमीद की सूरत में सोचता है। ये जो दिन रात आपको मुझे कहा जाता है ना, इय्याका नअबुदु वइय्याका नस्तईन, ये भी वही पैगाम है कि इतनी बड़ी हस्ती को तुमने ये पेश करनी है चीज, तो कैसे होगी? आप देखिए ना, आपके घर में शहर की कोई सबसे मारूफ शख्सियत आने वाली हो, वो कहते हैं ना, कभी मैं घर को देखता हूं कभी मैं उनको देखता हूं, समझ नहीं आती घर के किस कोने में उनको बिठाएं, पहले तो यकीन ही नहीं आएगा। और कोई चाय का कप पी जाए आपके घर से, तो आप, मेरा लिए अगर कोई मशहूर शख्स से मुराद जाए कि कोई कोई भी हो सकता है, आपका जैसा मिलान है वैसे ही शख्स होगा, कोई क्रिकेटर हो सकता है, कोई सिंगर हो सकता है, कोई आलिम दीन हो सकता है, कोई भी हो सकता है ना, तो बाद में लोगों को बताते हैं वो मेरे घर आया था। और ये नए मशहूर लोगों से लोग ऑटोस लेते हैं, उनके साथ सेल्फीज बनाते हैं ना। आप सोचिए कि एक दुनिया का सबसे मशहूर शख्स भी आपके पास आ जाए, चले मैं आपको खुश करती हूँ, इमामे काबा। इमामे काबा अगर आपके घर आए तो आपको कैसा लगे? वो पेरिस आए हुए थे और उन्होंने कहा कि आपके हस्बैंड ने उनको दावत दी, उन्होंने कहा ठीक है मैं आ जाऊंगा। आपके पांव जमीन पे लगेंगे, सबसे पहले तो फोन पकड़ के अपने स्टेटस पे ये बात लिखेंगे कि आपको तो मेरे घर में इमाम कब आने लगे हैं, चाहे नमाज आप एक ना पूरी पढ़ते हो सही तरह। सच्ची बात है, हम उन चीजों पर भी बड़े खुश हो रहे होते हैं जो हम खुद नहीं करते। तो वो इमाम साहब आके चले गए और आपके घर बैठ गए, आप बाद में इन चीज़ों को देखें, यहाँ वो बैठे थे, इधर से खाया था, ये किया था, वो किया था। तो अल्लाह का क्या मुकाम है? तो जब इबादत कबूल होती हैं तो क्या होता है, दो चार चीजें बातें नोट कर लें। यानी आपकी मेरी इबादत कबूल हुई तो इसके बाद आपकी इबादत कबूल हुई के, चले आप सभी अपने फोन्स बंद कर लें मेरे समेत। तो सबसे पहली अलामत, यानी जब आपकी कोई नेकी कबूल हो जाती है ना, तो उसकी पहली अलामत है कि आपको गुनाहों से नफरत हो जाती है। आप जिस चीज को गुनाह नहीं, फन कहते हैं, हल्ला गुल्ला कहते हैं, गपशप कहते हैं, ऐसे ही बस सब बैठे थे, यानी हम गीबत को गीबत के नाम पे थोड़ी करते हैं, हम गीबत को गीबत के नाम पे तो नहीं करते हैं। हम क्या कहते हैं, ये तो मैं दिल हल्का कर रही थी, और अगले दूसरे का दिल बोझल कर दे, ये जी वो तो मैं अपनी बहन से दुख सुख कर रही थी। अक्सर बेटियां जब माओ के घर जाती हैं तो अपनी सासों की बुराइयां कर रही होती है ना, उसी सासों के बड़े गुनाह माफ होते हैं, है? तो
आप अपने अंदर नोट करिए, आपकी कोई नेकी कबूल होगी ना, आपको उससे अपोजिट जो गुनाह है ना उसे नफरत हो जाएगी। और मैं इसको अक्सर महसूस करती हूँ, जितना आपको कुरान से मोहब्बत होती है ना उतनी साज और आवाज़ से आपको नफरत होने शुरू हो जाती है, आपके सर में दर्द शुरू हो जाएगा, लोग क्या बैठे हैं मज़ा कर रहे हैं, सर धुन रहे हैं। आप जितनी आपके अंदर हया और पाकदामनी आएगी ना, आपको ऐसे कपड़ों से चिढ़ हो जाएगी जिसमें जिस्म झलकता है। ऐसी महफिलें जो मखलूत हैं, मिक्स गैदरिंग्स हैं, जहाँ लोग बैठे हैं और ऐसी बेतकल्लुफ हो रहे हैं, सिर्फ आके ख़वातीन में एक नज़र डालने के लिए कई यूजिंग कर रही है, अम्मा किधर है, ये उसी दिन ही अम्मा याद आनी है आपको। अपनी घर की महरम औरत को देखने के बहाने कई दूसरी देख जाते हैं, बूढ़े भी जवान भी। नहीं, ये तो अब्बा जी हैं भाई, अब्बा जी अम्मा जी से घर में तो लड़ते रहते हैं, तो यहाँ अम्मा जी क्यों याद आ गए, ताकि जरा वहाँ और भी जरा देखे ना कौन आई हुई है। फिर हम कहते हैं नहीं जी ये तो बूढ़े हैं, तो वहाँ कई बूढ़ियाँ भी तो हैं और अब्बा जी के दिल पे बिजलियाँ गिर गई। पहले दिल कमज़ोर है, कोई पेस मेकर डला हुआ है, कोई जवानी में तो कोई और मसला होता है, तो बुढ़ापे में तो बंदा और वीक हो जाता है ना। नहीं अच्छा लगता आपको ये सब, पक्की बात है। इसमें आप अगर अपने पे लेते हैं ना, अपने बच्चों पे भी लेकर देखें, आप उनके दिलों को पकड़े, उनको बुराइयाँ बुरी लगेंगी। फिर इसी तरह अपने पिछले गुनाहों पे शर्मिंदगी होती है। कभी तो एक बंदा चस्के लेके सुनाते हैं ना, हम ये करते थे, हमें कितना मज़ा आता था, और दूसरी तरफ क्या होता है कि इंसान शर्मसार है। फिर इसी तरह सिर्फ अल्लाह की खातिर उस गुनाह को छोड़ने की आरजू पैदा हो जाती है। फिर बंदा तड़पता है कि अल्लाह मुझे कोई मौका तो दे कि मैं सिर्फ तेरी रजा के लिए गुनाह छोड़ूं। देखिए ना, एक शख्स है शराब पीता, डॉक्टर्स ने कहा कि अगर और पी ना तो लंग्स कैंसर हो जाएगा, तो छोड़ेगा, तो ये तो भी तौबा ना हुई, वो तो उसने अपनी बीमारी से बचने के लिए छोड़ी। सारी जिंदगी नाच गाने फिल्में देखी, बुढ़ापे में अब वो समझ ही नहीं आती चीज़ें, तो छोड़ दी, तो क्या छोड़ दी, कुछ तो बुढ़ापे में भी नहीं छोड़ते। लेकिन फितरी बात है, वक्त के साथ साथ बंदे का मच मर जाता है ना। सिर्फ अल्लाह की खातिर, अल्लाह तू बता मैं तेरे लिए क्या छोड़ूं, अल्लाह तू बता मैं क्या करूं। फिर इस एक और अलामत है कि नेकी और इबादत को मुस्तकिल करने की लगन लग जाती है। सुबह में भी कुरान सुन लिया, अच्छा मैं शाम को भी चलती हूँ, पता नहीं आज कोई ऐसी बात हो जिससे मुझे फ़ायदा हो। अच्छा एक वक्त था आप नेकियाँ सवाब के लिए करते हैं, तोल तोल के गिन गिन के सपारे पढ़ते हैं। एक होता है आपको क्रेविंग होती है, मज़ा नहीं लगता। हसन बसरी कहा करते थे कि नेकी के बदले में ये भी शामिल है कि इसके बाद मज़ीद नेकियाँ करने की तौफीक मिले, और बदी की सजा में ये भी है कि इसके बाद मजीद गुना सरजद हो। वो कहने वाले कहते हैं ना कि शराब के हर घूंट में से फिर एक घूंट सर उठाकर कहता है मुझे भी पियो, आदत हो जाती। ये चेन स्मोकर्स कौन है, एक सिगरेट खत्म होता है ना तो अगला सिगरेट उसी के साथ सुलगाते। तो नेकियों के साथ नेकियों की शौक आदत, और गुनाहों के साथ गुनाहों की, और ये चीज मैंने हर तरफ घूम के देख ली है। एक दफा आपको कुरान से मोहब्बत हो जाए, आप नहीं थकते, आप कहते हैं चले सुबह क्लास है वहां स्टूडेंट्स कर आ जाएंगे, और शाम को हम कहीं पब्लिक दर्स कर लेते हैं, लिसनर्स आ जाएंगे। आप देखेंगे कि जो सुबह की क्लास सुनकर जाते हैं ना, वही शाम को फिर आ जाएंगे, और हो सकता है जिनके लिए वो महफिल सजाई है वो आई ना। और सबसे बड़ी बात पता क्या है, नेकियां जब आपकी कबूल होने लगती है ना, तो आप अपने पिछले गुनाहों को सोचकर परेशान भी रहते हैं लेकिन अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होते। आपके अपने अंदर से एक फीलिंग आने लगती है कि पिछला खाता साफ है, अकाउंट क्लियर है। सूरत ज़ुमर की आयत 53 में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू, कह दीजिए मेरे वो बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है, असरफु अला अन्फुसिहिम ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीअ इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। यानी आप देखिए अल्लाह किन को अपना बंदा कह रहा है, अम्बिया को, रसूलों को, तहज्जुद गुजारों को, मुत्तकियों को, नाना अल्लज़ीना असरफु अला अन्फुसिहिम, गुनाहगार से गुनाहगार शख्स अल्लाह कह रहा है तुम मेरे बंदे हो। हम कितनी जल्दी कट डाउन कर देते हैं,
फतवे भी, झगड़े भी, वे ये ऐसे, ये फलाने फलाने का, तुम अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। अल्लाह तो सारे गुनाह माफ़ करता है क्योंकि वो गफूर रहीम है। यकीन करें अल्लाह की ये सिफत उसके बंदों के लिए के अंदर आ जाए ना, तो हम कई गुनाहगार, हमारी नज़र में जो गुनाहगार हैं उनको राह रास्त पे ले आए। अब सवाल ये कि हम चाहते हैं कि हमारी इबादत कबूल हो तो क्या करें? नंबर एक, सच्ची तौबा करें। यहाँ बैठे बैठे आज इस जगह पे कहें, चुपके से, किसी को नहीं कहने की ज़रूरत। देखिए हमारे दीन में कोई कन्फेस नहीं है, आपको तो ना कन्फेशन है क्रिश्चियनिटी में, पार्डन खरीदनी पड़ती है। इतवार को चर्च में जाकर भाव ताव के साथ, प्रीस्ट के साथ सौदेबाजियाँ होती हैं कि कितने वाली तुम्हें तौबा चाहिए, $500 वाली के $50 वाली। अल्लाह कहते ना ना तेरे और मेरे बीच में ये राज है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। सच्ची तौबा कीजिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ एक वाक्या मंसूब है कि उनके दौर में कहत पड़ गया, बारिश नहीं हो रही। बिलाखिर फैसला हुआ कि सब खुले मैदान में निकल कर जाकर वहाँ बारिश की दुआ करेंगे। सब लोग चले गए, अब मजमा लगा हुआ है और मूसा दुआ करें कि अल्लाह ताला बारिश बरसा दें। वही के जरिए अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को बताया कि इस महफिल में एक शख्स ऐसा है जिसके गुनाहों की वजह से अल्लाह उससे इतना नाराज है कि सबकी दुआ नहीं कबूल होनी। नाम नहीं बताया। मूसा अलैहिस्सलाम ने एज इट इज बता दिया लोगों को कि भाई हम में से कोई एक ऐसा है कि जिसके गुनाह ऐसे हैं कि उसकी वजह से किसी की भी नहीं कबूल होनी। दैट्स इट। अब मुझे बताइए कि नाम ना अल्लाह ने लिया ना मूसा ने, लेकिन बलिल इंसान वला नफ्सिही बसीरा वलो अल्का माज़ीरा, सूरत क़यामत में आता है, बल्कि इंसान खुद को ज्यादा जानता है, दूसरों के आगे उजर पेश कर देगा, पर्दे डाल जाते हैं दूसरों के आगे, आपको खुद पता होता है आप क्या करके आए हैं। झूठ बोलने वाले को साफ पता चल रहा होता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, दूसरा उसको सच्चा समझ रहा होता है। आप निकले ही लेट और आप कहते रास्ते में रश में फंस गए थे, अब लोग तो मान जाएंगे, लोगों का क्या लगे, लेकिन आपको पता है कि आप भी लेट ही निकले थे, शुक्र करें रश मिला आपको, उजर मिल गया। कई लोगों के उजर के अंदर उनका, उनकी सुस्ती, उनका ढीलापन, उनका निफाक छुप जाता है। तो मूसा ने कहा कि ठीक है, अब क्या हुआ? वो बंदा सुन रहा था ये बात, उसको अपने ऊपर मलामत हुई, कहेगा तुफ है तेरे ऊपर, तू कितना बदनसीब है, तेरी वजह से सारे लोगों की दुआएं पीछे रह गई। उसके अंदर क्या हो रहा है पूरी महफिल में किसी को नहीं पता, लेकिन हुआ क्या कि मोटी मोटी वो कनिया शुरू हो गई, बारिश शुरू हो गई, मूसलाधार बारिश बाद में होती है, पहले छोटी छोटी बारिश। मूसा ने कहा अल्लाह ताला अभी तो आपने कहा कि बारिश नहीं होगी क्योंकि गुनाहगार बैठा हुआ है और ये बारिश शुरू भी होगी। कब? मूसा तुझे नहीं पता, उसने यहाँ बैठे बैठे तौबा की है, जब उसने तौबा कर ली तो मैंने उसकी तौबा कबूल की, उसका माफ किया गुना, जब उजर खत्म हो गया तो मेरी नाराजगी खत्म। आप मुझे बताएं, मूसा ने लाड से कहा अल्लाह आप उसका नाम तो बता दे। यानी रिवायात जो लोग बताते हैं ना, एक बात ये स्टाइल जैसे भी कहानी होगी, कहा जब वो गुनाहगार था तो मैंने उसका नाम नहीं बताया, अब तो वो मेरा बंदा बन चुका है, अब क्यों बताऊं। ला तकना तो मेरा रहमत अल्लाह। तो सच्ची तौबा, यहां बैठ के अल्लाह जानते अनजाने में, मजबूरी में किसी की, या खुशी के लिए, कराहत में, जो गुनाह जिस वजह से भी किया माफ कर दे, पिछले माफ कर दे और आगे से बचा ले। तौबा है भी यही है, दो हिस्से हैं तौबा के, एक माजी, एक हाल, और उसी के साथ जोड़ लें तो एक मुस्तकबिल। माजी के गुनाहों पे शर्मिंदगी, अनदमुत तौबा, नदामत, गिल्ट। हाल क्या कि मैं इसको अब छोड़ रहा हूँ, और मुस्तकबिल क्या कि आइंदा कभी इसको नहीं करूँगा। ये कभी आप सुनते हैं ना लफ्ज़ तौबा, फिर कहते हैं इस्तगफार, तो तौबा और इस्तगफार दोनों में बुनियादी फ़र्क भी यही है। फिर दूसरा काम आप क्या करें कि अल्लाह से अपनी दुआओं में ये दुआ शुरू कर दें कि रब्बना तकब्बल मिन्ना। चले आज आपको मैं तरीका सिखाती हूँ। आप घर में सारा दिन काम करती रहती हैं, हमारी देसी खवातीन को तो आदत है घर में काम करने की, पके हुए बेबिर कहती हैं अब एक और ना बना लूँ, अब ये ना कर लूँ, है ना, आदत है घर का काम करने की। आप जो काम भी करते हैं
नंबर एक, उसको अल्लाह के लिए करें, अल्लाह की रजा के लिए। अल्लाह ने जिम्मेदारियां दी ना, बच्चे अल्लाह ने दिए, शोहर की नेमत अल्लाह ने दी, घर अल्लाह ने दिया, तो आप अल्लाह से कहा करें कि अल्लाह ताला ये मैं आपकी नेमतों को जो आपने मुझे दी और जो जिम्मेदारियां दी पूरा कर रही हूँ। उसके बाद जो काम भी आप करें घर में सुबह से लेकर शाम तक, जब एक काम पूरा हो जाए ना, तो चुपके से कह दें रब्बना तकब्बल मिन्ना। सुबह बच्चों को भेजा, नाश्ता बनाया, रब्बना तकब्बल मिन्ना। मियाँ साहब के लिए नाश्ता बनाया, उनके कपड़े इस्त्री किए, ये किया, वो खैर से निकल गए, हमारी भी जान में जान आती, चलो निकल गए। कितनी वो एक क्या कहते हैं, लंबा सांस बंदा लेता, चलो शुक्र है कोई झगड़ा नहीं हुआ, निकल गया। रब्बना तकब्बल मिन्ना। घर की सफाई की, वैक्यूम पकड़ लिया, झाड़ पोंछ की, घर की चीज़ें सही की, रब्बना तकब्बल मिन्ना। मेरे वाले दिन में आप 20-25 बार ये जुमला बोलेंगी। हाँ बेटा, अल्लाह नहीं ऐसी पारो हुई, मैं अभी 15 मिनट दे दूँगा, ठीक है? अभी मैं टेलीफोन करके दस दूँगी, ठीक है? अच्छा, तो किधर है तू? घर वाले भी खुश हैं कि अच्छा। आ तो नहीं रहे आप लोग वापस? अच्छा, अल्लाह जब खवातीन आ जाती है ना घर से, तो घर वाले भी इतने खुश हो रहे होते हैं जितना मर्दों के जाने पे आप लोग खुश हो रहे होते हैं। है, वो बच्चे भी पूछ रहे हैं, अम्मी जल्दी तो नहीं आएंगी ना? तो कभी कभी घर वालों को भी आजादी देनी चाहिए कि भाई तुम भी मौज कर लो। आजादी का मौका बड़े दिन दिन बड़े तो कहते हैं, हमारी जान ही छोड़ दें आप हमें पूछे बिना, हम आपको नहीं पूछते। नहीं नहीं जी, अपने बड़े होने दिन आते कहने कि असि बड़े मौके देने हैं खुश रहने। सही, तो अब आप बताएं कि दिन में कितनी को बार आप कहेंगे रब्बना तकब्बल मिन्ना? और आप पता है इसका फायदा क्या होगा? एक तो दुआ, दूसरा आप जो काम कर रहे हैं पूछेंगे अल्लाह ये कबूल हो, कोई फिल्म देख के तो नहीं किएगा रब्बना तकब्बल मिन्ना, कोई झूठ बोल के तो नहीं किएगा ना? तो आप अपनी दुआओं में ये दुआ शामिल कर, थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा मामला। अगली बात जो आपने करनी है वो कह के अल्लाह से एक ये भी दुआ करें कि मुझे मकबूल आमाल अता किए जाए, इल्तजा करें अल्लाह मुझसे वो काम करा जो कबूल हो। आप एक दुआ मांगते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वो तो रोज ही क्लास से शुरू में मांगते हैं ना, इल्म की दुआ में से एक दुआ क्या है, अल्लाह जो इल्म दिया है उसको नफे अला बना, और मुझे अल्लामन यनफानी बीमा लमतनी, जो इल्म दिया उसमें नफा दे और मुझे नफे वाला इल्म भी दे। इस दुआ को मांगिए। और सूरत मोमिनून की आयत 60 में अल्लाह ने बड़ी प्यारी सी दिल की कैफियत बताई है, वल्लज़ीना यूतूना मा अतौ वक़ुलूबुहुम वजिलतुन अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन। और जिनका हाल यह है कि देते हैं जो कुछ भी देते हैं और दिल उनके इस ख्याल से कांप रहे होते हैं कि हमें अपने रब की तरफ पलटना है। इस आयत पर हजरत आयशा सिद्दीका ने पूछा था कि अल्लाह के नबी से मुराद गुनाह करने वाले लोग हैं, चोरियां करने वाले, कि गुनाह करके डरते हैं? कहा सिद्दीक की बेटी सिद्दीका, इससे मुराद गुनाहगार नहीं है, इससे मुराद नेकियां करने वाले, नेकियां करके भी डरते हैं कि अल्लाह कबूल कर ले। फिर एक और अलामत नोट करें नेकी की और कबूलियत की, और वो क्या है कि आप नेकी से मोहब्बत करने लग जाते हैं। देखिए, जो कुरान पढ़े और उसका दिल करे ना मैं और पढ़ूं, तो इसका मतलब वो ठीक पढ़ रहा है। जो कुरान पढ़े उसका दिल ना लगे ना, तो यकीनन आपके आप में या आपकी कुछ बातों में गड़बड़ है। आप सही नमाज पढ़े, आपका दिल करेगा मैं लंबी नमाज पढ़ूं, और नमाज जान छुड़ाने वाली पढ़ते हैं तो दिल ही नहीं करता पूरी करें। फिर इसी तरह एक और अलामत है जो बहुत बड़ी है, दुनिया के दिलों में अल्लाह ताला उस शख्स की मोहब्बत पैदा कर देते हैं जिसकी नेकियां अल्लाह के यहाँ कबूल हो रही होती हैं। सूरत मरियम के बिल्कुल आखिरी रुकू में अल्लाह कहते हैं मैं उनके दिलों में वुद पैदा कर देता हूँ। और वो रिवायत भी आपने बहुत दफ़ा सुनी होगी, जिब्राइल अलैहिस्सलाम
के बाद अल्लाह ताला उनको कहते हैं मुझे फुलां से मोहब्बत है, फिर जिब्राइल को उससे मोहब्बत होती है, फिर आसमान के फरिश्ते, फिर दुनिया के फरिश्ते, और हत्ता के दुनिया के लोग भी उससे मोहब्बत करते हैं। तो बंदा लोगों का प्यारा हो जाता है किसी एक नेकी की वजह से या उसके अंदर। फिर इसी तरह याद रखिए कि मोमिन ईमान के मौजूदगी में उम्मीद और खौफ के बीच में रहता है। कभी आपको लगेगा आप बहुत नेक है और कभी आपको लगेगा मार पड़ जानी है। एक साहब भी दुनिया से जा रहे थे तो अल्लाह के नबी ने पूछा कि क्या महसूस हो रहा है। कहते लगे अल्लाह के नबी मुझे अपने गुनाहों से बहुत डर लग रहा है, लेकिन साथ ही दूसरे लम्हे मेरे दिल में ख्याल आता है कि अल्लाह बड़ा माफ करने वाला है। तो आपने फरमाया क्या था मोमिन, क्योंकि अल ईमान बैन अल खौफ वर रजा। तो कभी उम्मीद कभी हो, ये बेखौफी भी बहुत बुरी है, देखी जाएगी जो होगा। और ये भी करना कि नेकियां कबूल कोई नहीं होनी, फिर ये मायूसी पैदा होती है, ये भी ठीक नहीं। दोनों चीज़ों को बीच में रहिए और ईमान का मजबूत कड़ा फिर उसके हाथ में आता है। आपकी नेकियां कबूल होती ना, फिर ही असल में आप ईमान की, फिर आप ईमान की हलावत चखते हैं और फिर नेकी और इबादत पे साबित कदमी जो है ना, ये कामयाबी की अलामत है। इमाम इब्ने कसीर फरमाते हैं कि ये अल्लाह ताला का करम है कि जो शख्स जिस काम पर ज़िंदगी गुजारे, इसकी मौत भी इसी पर आती है, और इसकी मौत जिस काम पर आए, इसे रोज़े क़यामत उसी पर उठाया जाएगा। लेकिन एक शख्स कसरत से नफली रोज़े रखता है तो उम्मीद है ना कि जिस दिन उसकी मौत आएगी वो रोज़े से ही होगा। अब एक खातून है, उसको बाज़ारों में फिरने का बड़ा शौक है, तो उम्मीद कर सकते हैं ना कि बाज़ार में ही खैर से मौत आएगी, ये मुराद है। तो हमेशा हर काम करते वक्त सोचें अगर ये मेरा आखिरी काम अमल हुआ तो क्या बनेगा। फिर इस तरह अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि जब इंसान की नेकी कबूल होती है ना, अब ये सारे गौर से सुने, ख़ास तौर पर ख़वातीन, जब बंदे की नेकी कबूल होती है ना तो उसके चेहरे पर रौनक आ जाती है। फेशियल नहीं कराना पड़ता, पॉलिशर की कोई ज़रूरत नहीं है। आज आप देखिए कि औरतों की कॉस्मेटिक्स की को हद, किसी के बाथरूम में जाके देखें 8-10 किस्म की तो क्रीमें दिखेंगी, ये नाइट क्रीम ये फला, भाई याद किसको रहना है ये कौन सी, इस पर बड़ा बड़ा लिख दो, पता चला शैम्पू की जगह आपने कंडीशनर लगा दिया और वो मॉइस्चराइजर जो था वो अपने हैंड वॉश की जगह लगा दिया है ना। फितरी तौर पर चेहरे पर चमक आती है। और इसमें आप देखें ना तो अपनी किसी नानी दादी बुजुर्ग को सोचिए क्या लगाती थी वो, लेकिन कितनी चमक होती थी उनके चेहरों पे। नेकियों का एक नूर तो होता है, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी बात, इसके दिल में रोशनी और नूर पैदा हो जाता है और इसका बदन कमजोर नजर आता है, फुर्तीला चुलबुला, सारे मोटे लोगों से माजरत के साथ, लेकिन 10-10 लोगों का काम करता नजर आता है। सुभान अल्लाह, अल्लाह इसके जिस्म में कुव्वत अता कर देते हैं, इसका थोड़ा रिस्क थोड़ा माल भी बाइस बरकत बन जाता है। माफ़ करें, आज के लाइफस्टाइल से बिल्कुल मुख्तलिफ बातें। आज तो हम अपने 10-12 साल के बच्चे को खिला खिला के मोटा कुप्पा कर देते हैं, खाने भी ऐसे, लाइफस्टाइल भी इजी, हजम हो ना हो। हाँ, तो अब ये क्राइटेरियन रखिए, क्या क्या है, नेकी कबूल होती है, नंबर एक चेहरे पर रौनक आती है, दिल में रोशनी। आप ये जो दुआ करते हैं ना कि अंत जलिल कुरान अलजीम अरबी अकलबी व नूर सदरी, वो दुआ कबूल होती है। और जो सुबह फजर की नमाज से पहले की दुआ क्या है, अल्लामा जल्फी कलबी नूरा वफी बसरी नूरा, तो ये रोशनियों वाला सफ़र होता है। फिर जिसम कमज़ोर होता है, यदि मोमिन बहुत मोटा नहीं होता, फरबा नहीं होता, कम झुकाएगा, हम खाते ज़्यादा हैं, हमारे खाने माशाल्लाह हैं भी हैवी और फिर हम खाते भी ज़्यादा हैं, फिर मेहनत नहीं करते। फिर उसके बाद ये कि जिस्म में कुव्वत और काम बहुत करता है वो। और फिर आखिरी बात कि जब जिंदगी की आरजू ये आयत बन जाए, क्या कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कह दीजिए कि मेरी नमाज, मेरी इबादत, मेरे सारे मरासम अबूदियत, मेरा जीना और मेरा मरना सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। जब आपकी जिंदगी खुदा रूही जिंदगी हो जाती है, सिर्फ आप इबादत नहीं करते, इताअत भी करते हैं, अल्लाह के दीन को सीखते भी हैं,
दूसरों को भी इसकी दावत देते हैं। आप कहते हैं कि ऐसा ऐसा क्या होगा, आपका दिल साफ होगा, निखरेगा, जैसे आप बर्तन को धोते रहे मांजते रहे, एक दिन चमक जाएगा। फिर दिल खालिस होता है, खलूस से दिल कबूलियत की बुनियाद है। जो नेकी खलूस के साथ की जाए वो कबूल होगी, और नीयत वो वजह है कि इंसान उसकी वजह से बुलंद मर्तबे पाता है। अल्लाह के नबी की इत्तबा पे जो नेकी की जाए वो भी कबूल होती है, और फिर इंसान परहेजगार बनता जाता है, ऐसा ऐसा उसकी ज़िंदगी से हर खराबी हर गुनाह निकलने लगता है। तो आपके मेरे लिए फिर क्राइटेरियन क्या है कि नेकियां करनी भी हैं और उनको सेव भी करना है। आप फाइल रिकॉर्ड करें और सेव ना करें। जैसे मेरा लेक्चर ख़त्म हो तो मैं सबसे कहती हूँ प्लीज़ अभी मेरे पास ना आइएगा, बड़ा सेंसिटिव इशू हो रहा होता है इस वक्त, ज़रा सी 19-20 हुई तो सारा किया कराया ख़त्म हो जाएगा। मैं खुद ही आपको मिलने आ जाऊँगी पास, क्यों कि ये कहीं गुम ना जाए, खाना पकाएं और वो जल जाए। हाँ, वो दाल ही गिर गई वाली कहानी याद रख लें। हाँ, तो नहीं चाहते ना कि हमारा पका हुआ खाना ज़ाया हो, तो नेकियों की कोशिश। और एक बात आज यहाँ से लेकर उठिएगा, जब तक सांस में सांस है अपनी नेकियों का सिलसिला नहीं छोड़ सकते आप। हत्तयात यकल यकीन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कहा था कि अपने रब की इबादत करता रहे यहाँ तक कि तुझे यकीन आ जाए, यानी यकीनी चीज़ आ जाए। तो अल्लाह ताला से ये दुआ करें। हज़रत अबू हुरैरा का वो किस्सा कि एक वक्त पे किसी ने उनको आकर कहा कि आपके बारे में लोग ये कुछ बोल रहे थे, होता है ना कोई बात कह ही देता है, आपकी बुराई कर रहा था फलां शख्स, हम होते तो हम कहते अच्छा इधर आओ मैं तुम्हें बताऊँ वो कितना बुरा है और उसकी क्या आदत है। और उसके बाद जब लोगों ने उनको कुछ कहा तो कहने लगे देखो मुझे तो हर वक्त तीन चीज़ों का गम है। नंबर एक, आज नेकियां कर रहा हूँ, पता नहीं मौत किस वक्त काम पे आएगी। दूसरी बात है कि जब नामे अमाल बटेंगे तो मेरा नामे अमाल दाएं हाथ में आएगा कि बाएं में। और तीसरी बात है कि जब लोग पुल सरात के ऊपर से गुजरेंगे तो मेरा पता नहीं क्या हाल होगा। फिर कहते हैं अगर मैं इन तीन जगहों से बच के गुजर गया तो मुझे कोई परवाह नहीं, लोग मुझे अच्छा कहते हैं कि बुरा कहें, लेकिन अगर मैं इनमें से किसी एक जगह रोक लिया गया, यानी मेरे ऊपर कोई ऑब्जेक्शन लग गया, तो दुनिया के हर बंदे को हक पहुंचता है कि वो मेरी बुराई करे। बुराई करे किस बात पे कि अबू हुरैरा कैसा था, देखो पुल सरात पे फंस गया, देखो वो पुल कैसा था, उसके तो नामे माल बाय में। मुराद ये है कि मुझे लोगों की परवाह नहीं है। तो अल्लाह ताला आपसे मुझसे राजी हो, अल्लाह ताला हमारे आज के सेशन को भी कबूल करें। आपको जिनको यहाँ से इधर से आने में जाने में या दूर से या करीब से जो भी कोई तकलीफ तो कोई नहीं होती इस रास्ते में, लेकिन हैसल हुई, अल्लाह ताला उसका भी अजर दे। आपको तक कि जब गाड़ी में नेविगेटर में डाला गया तो 80 माइल्स था पेरिस से आपका ये जगह, तो ये तो एक बिल्कुल दूसरा शहर है ना, गो क्या आप इसको पेरिस ही कहते हैं या मुझे नहीं पता इसका क्या नाम है, शहर का जो भी नाम है जी। आप सारे इधर करीब के लोग हैं, ज्यादा लोग इधर कोई क्लास होती है तो हंस क्या किधर है, इन्होंने आपको आज ही सिर्फ बुलाना है, कुछ कीजिए। आप चाहते हैं किधर कुछ हो, बस फिर आपकी ये चाहत अल्लाह कबूल करे। देखिए अभी सुना है ना कि एक नेकी के बाद दूसरी नेकी करने को दिल करता है, तो आज की सारी एफर्ट के बाद आप लोग इस नाम लिखें इनका। आप लोगों ने अभी यहाँ वैसे कभी कोई दौरे कुरान या कभी कोई कोर्स किया नहीं किया? मेरा तो दिल कर रहा है कि आपको मैं दौरे कुरान शुरू करा दूँ। आप में से अक्सर लोगों ने ये दौरे कुरान 2023 नहीं किया, यकीन करें कल से शुरू कर दें पहला बारा, और चाहे एक साल में पूरा हो, हमें क्या जल्दी है। मुझे तो रमज़ान में भी कोई जल्दी नहीं होती, लेकिन दूसरों की जल्दी की वजह से मैं फिर जल्दी में पड़ जाती हूँ। तो आप में से एक किसको ज़्यादा आता है, कुछ कोई पढ़ा हुआ? असमा ने कोर्स किया हुआ पूरा? एस जे वाला, ये ऑनलाइन आपके साथ कर रहे हैं? बुलाए हो उनको किधर है अंदर, वो अब आपके लिए कोई चाय पानी बना रही होंगे, जरा बुलाइए।
अस्मा जी ये चाय एक ही दिन नहीं पीनी हमने, बार बार पीनी है। आपके देखिए इतने प्यारे साथी हैं इधर, अगर हफ्ते का कोई एक दिन चूज करके आप सब, अब ये मुझे नहीं पता किसी घर में हो या किसी भी घर में हो, जब आप सारे अगर वॉकिंग पे हैं या करीब हैं, जिसके घर में भी जमा हो, दौरे कुरान अभी जो ख़त्म हुए ना, उसका आपको प्लानर बना के देते हैं, तो आप इनके साथ शुरू करें, अगले रमज़ान तक चलता रहे। मैं तो वेलकम करती हूँ सबको, मेरा के साथ था। इधर और कौन है आपके अलावा जो आपको इस पूरे सिलसिले में हेल्प कर सकता है, कोई है? सभी करते हैं, ये बैठे हैं। नहीं, मैंने दही भल्ले बनाने में नहीं पूछी हेल्प। जी तो यकीन करें, मेरा तो दिल करे मैं भी शुरू करा दूँ आपको। पता है आप सबका हक बनता है, हम कहाँ बैठे हैं दुनिया में, आप कभी सोचें बैठ के। इस साल इस ट्रिप में तो मेरे, क्योंकि मैं बक्सर से आई हूँ ना असल में, फिर बीच में सऊदी अरब भी रुकी इतनी देर, तो मेरे दिल में दर्द बहुत है। हम कहाँ बैठे हुए हैं, कितने फितने हमारे सरों पे, हमारी नस्लों का क्या होगा, ये बच्चों के बच्चे बस। तो क्या हम ये कुरान की रोशनी अपने दिलों घरों से लेकर अपने बच्चों तक नहीं डालेंगे? हम बहुत चाहते हैं हमारे बच्चों को कोई पढ़ाए। आप देखिए बस दो तीन मिनट आंटी जी, बस हमारे बच्चे तभी कुरान पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे, पक्की बात है। हमारी बेटियां अच्छे कपड़े तब पहनेंगी जब हम उनको कुरान से जोड़ेंगी। जो हमारे मोटे मोटे दो चार मसले हैं उसका हल ये है। अभी फिलहाल ज्यादा बातों की बजाय आप लोग को दिन कौन सा अच्छा लग सकता है, दिन वक्त चूज करें, इसको अभी अनाउंस करें। घर में कोई छोटा बच्चा तो नहीं है आज, इसको कहीं और भेजाओ? कोई छोटा बच्चा तो नहीं है घर में? मेरा तो ये बच्चे वाला घर है कि बड़ों वाला घर है? लो वो छोटी है, लो। अच्छा जी, किस दिन आ सकते हैं आप लोग, वीकडे? ये जो आप लोग, हाँ आज देखिए ना, आज तो इतवार है ना, इतवार को तो सबके मर्द घर होते हैं, आज छुट्टी देके आए हैं मर्दों को। ये आसानी से आ गए या मुश्किल हुई थी? और मेरा पता क्या दिल कर रहा है कि या हफ्ता इतवार हो जिसमें बच्चियां भी आए, मदर डॉटर्स, पर बच्चियों को ये नहीं कहना कि तुम्हारे लिए शुरू कराई है। हफ्ता या इतवार दोनों में कोई एक दिन चूज करें। हफ्ते के दिन करें तो कितने लोगों को लगता है बेहतर है इतवार की बजाय? माशा तो नहीं लगता इधर हफ्ते को? वो सारा दिन तो नहीं लगता ना? अच्छा ठीक है, हफ्ते का दिन टाइम क्या चाहिए? एक मिनट, यही टाइम ठीक है ना? अब तो दिन भी लंबे हैं, जोहर से भी बिल्कुल अच्छी बात है। खाना वगैरह दोपहर का कितने बजे मोस्टली लोग खाते हैं लंच? क्या करते हैं? 3 से 5, पक्की बात है? 3 से 5 बात पक्की हो गई हफ्ते का दिन। अब अगला हफ्ता कब आ रहा है भाई? अगला हफ्ता एक हफ्ते बाद आएगा, आज तो संडे है, पक्की बात है? आप लोग सब जाते हैं, यकीन करें मैं आपको बताऊं कि इस वक्त को आप दुआएं देंगे। आप लोग जैसे बैठे ना ऐसे ही बैठेंगे, स्क्रीन पे कुरान का तर्जमा भी आएगा, जो बच्चियों ने या औरतों ने लिखना है कुछ मोटे मोटे पॉइंट्स वो भी आएंगे, आपने बैठ के सुनना। अगर आप अपने घर का कोई भी कुरान ले आए जिससे आप रमज़ान में या आगे पीछे कुरान पढ़ते हैं ना, तो वो ले आए, सामने कुरान खुलेगा और आप, मतलब आई विश कि मैं आपको अभी थोड़ा सा गैप देकर उसका एक ट्रायल कराऊं आपके लिए। जब अगर आपने सूरह फातिहा से नाज तक कुरान नहीं पढ़ा हुआ ना, तो आपको फील होगा कि कुरान में ये कुछ भी, और आपकी बच्चियां उनको नहीं अपने कुछ कहना, वो खुद है। और जो स्क्रीन पे लिखा था ना, उसमें इंग्लिश भी साथ होती है, उर्दू भी होती है, अरबी भी होती है। मेरा कहने का मकसद ये है कि एक दफ़ा जब आप सेटल डाउन हो जाएंगे ना, और इसी शौक और जौक से आएंगे, तो आप सिर्फ एक सपारा करने के बाद खुद ही कहेंगे कि मुझे ये सबसे बेहतरीन चीज़ लगी, और अब बना तकब्बल मिलना। वरना आप देखें ना, 80 मील दूर हम एक दर्स के लिए, दर्स तो आपने मेरे से पहले सुनी लिया ना, आपको तो जिधर से आपको सुना रहे थे उस चैनल पे 4000+ लेक्चर्स हैं, 4000 लेक्चर सुनने के लिए 4000 दिन चाहिए आपको, तो वो तो फिर गए आप। लेक्चर्स तो बहुत सारे हैं, ऑनलाइन क्लासेस हैं, ये भी तो किसी एक ऑनलाइन क्लास में है ना। आप में जो यंग सिस्टर्स हैं ना, आप लोग सारे यंग हैं, माशाल्लाह माफ़ करें, सारे यंग हैं,
लेकिन आप ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन करें, आसिया आप इनको साथ लेके चले। आप लोगों ने कुछ दिए शुरू में ऑनलाइन कोर्सेज क्लासेस का कोई डेमो दिए? जी आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया ना जो इन्होंने बताई है बातें? मेरी बच्चे वो जो आया ना कई वाली बाजी मेरा बाजी नीलम उनके साथ अटैच है तो वो कर रही है, मेरी बच्चे भी कर रही है, मैं भी कर रही हूं। लेकिन उसमें क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता, यानी कि उनमें वो तर्जुमा सिखा रही है कुरान पाक और वो जो हमारी अरबी है वो ठीक करवा रही है। ठीक है जो कर रहे हैं करें, लेकिन मैं आपको वो बताऊंगी जिससे दिल बदलते हैं ना, जो मुझे पता है। अब मुझे नहीं पता आप जिनका नाम ले रही है वो क्या करा रही है, अगर तो वो वही चीज है जो आप लोग खुद करते हैं आपको अंदाजा है, फिलहाल आप इस पे ओके करें। और जो ज्यादा टाइम दे सकता है, हमारे आजकल नए कोर्स शुरू हो रहे हैं, माशाल्लाह ट्यूजडे को एडवांस कोर्स है लेकिन स्पीरुल जन्नत नया कोर्स शुरू हुआ है, हफ्ते में 3 दिन आप वेबसाइट खोले, जिसके पास ज़रा एक्स्ट्रा टाइम है ना मेरे पास आए बाद में। ये साथ ही ये सिस्टर नौशीन इनको ऐसे 23 पे लगाइए, और ये चूंकि दूर है वहाँ से उधर आप नहीं आ सकते हर दिन, तो आप लोग ऑनलाइन फुल फ्लैच 3 दिन का कोर्स है, और आपके ये ट्यूसडे वेनसडे और थर्सडे। आप फ्रेंच में बोलें ट्यूसडे क्या होता है? मागदी मैखोजी यूदी। अब ये आपको तो समझ आ ही गया ना, सिर्फ 3 दिन 3.5 घंटे की टोटल क्लास है, ब्रेक भी होती है, और अल्लाह करे आपका वक्त वो हो। क्या टाइम है इनका? वो आपके तो वो सुबह वाला कर रही है ना बच्ची, वो सुबह का है, ये मिडल टाइम है, बिल्कुल वही टाइम है बीच का जो होता है ना। तो अगर वाकई आप इट्स नॉट टू लेट तो आप उसको भी शुरू करें, लेकिन आपके घर पक्का कर दूँ अनाउंस? सुने अगर आप मुझसे अनाउंस कराएंगे तो फिर होगा, आएंगे ना आप लोग इस हफ्ते वाले दिन 3 बजे से 5 बजे के बीच में? मैंने तो पहले भी सबको दावत दी है, मैं कहती हूँ आए। ठीक है इंशाल्लाह। चले जी, ये बच्ची अपना हिस्सा डालना चाहती है, सुनाओ बेटा सुनाइए। आजो जी देखिए इसको कितना शौक है ना, कभी ये बच्ची मुझसे पढ़ जाए ना तो ये मेरा सही सत्काचार्य बनेगी। शुरू करो बेटा माशाल्लाह। और ये अपने भाई से 24 साल छोटी है, माशाल्लाह। इनको अल्लाह ने हर 10 साल बाद एक बेबी दिया, माशाल्लाह। जी शुरू करो। बाबा मां के मोहल्ला के शैतान ना दूर से जो अल्लाह के नाम से जनाब ने पाला फरमान हो जाए। तवज्जो, आज मैं आप सबको सूरह नास सुनाऊंगी। माशाल्लाह। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aaj achhi tarah surah Nas sunana hai. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. देखिए इस बच्ची को अगर जरा सी गाइडलाइन मिल जाए तो ये कितना चमक सकती है, और ये हर दर्स में मेरे साथ साथ इस ट्रिप में। तो ये शौक कब आता है? जब इसकी अम्मी आती हैं तो इसको लेके आ रही हैं ना, तो ये बच्ची कहीं और जाती तो वहाँ कुछ और सीख लेती। ठीक है तो जजाकल्ला खैर, मेज़बान को दुआ देना जो ये सुन्नत है, हम थोड़ी सी दुआ देंगे इनको और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट सैटरडे मैं भी जहाँ भी होंगी मुझे भी साथ लीजिएगा। ठीक है इंशाल्लाह। चलिए या रब्बी लकल हंद कमा यंबगी लि जलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नक अंतस समीउल अलीम, व तुब अलैना इन्नक अंतत तव्वाबुर रहीम, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता अय्युन,
وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا یا اللہ ہم سب کا یہاں بیٹھنا یہ جو بھی انہوں نے کیا جو بھی کسی بھی مشکل سے گزر کر یہاں آئے یا اللہ ان کا یہ قبول فرما یا اللہ جو لوگ ہمیں لے کر آئے ان کا بھی یہ عمل قبول فرما یا اللہ اس رستے میں جو ہم سے کمی بیشی ہوگی جو کوتاہی ہوگی اس سے ہمیں معاف فرما یا اللہ ہماری کمی بیشیاں اور کوتاہیوں کو دنیا میں اور آخرت میں بھی پردوں میں رکھنا یا اللہ جو بھی